आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेरी फेवरेट दीदी, फेवरेट सिंगर, हम सब की चहेती का आज गाना लॉन्च करने हमारे हैं। आई एम श्योर के जितनी बार भी हम उनके गाने सुनते हैं, पुराने हो नए हो, बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं, चाहे सूफी गाना गवा लो, गज़ल गवा लो, भेंट गवा लो, पंजाबी गवा लो। सो आज हम सारे इनको सपोर्ट करने आए हैं। आई एम श्योर के जितने भी इनके फैंस हैं वो सारे बहुत खुश होंगे। नैना जोड़ी के लिए आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड टुडे बिकॉज इट्स लॉन्चिंग, ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, सो आई एम सो हैप्पी। मैं बचपन से इसी जॉनरा के लिए गाती आ रही हूँ और मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले मुझे इस तरह के गायकी में देखना पसंद करते हैं। दो आई सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग, चाहे वो बिल्लो रानी हो, चाहे सजदा हो, चाहे वो रब्बा हो, बट ये जो जॉनरा है एक सूफी जॉनरा, इसमें दे वेट कि ऐसा कुछ मैं लोगों के लिए प्रेजेंट करूं, बट ऐसा फिल्मों में पॉसिबल नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। नॉर्मली जो सिचुएशंस होती हैं मूवीज़ के अंदर उसके अकॉर्डिंग गाना बनता है और फिर हम लोग उसको गाते हैं। बट अब अच्छी बात यह है कि हम लोगों का, हम सबके लिए कि अभी सिंगल सभी सिंगर लेकर आ रहे हैं, तो ये मेरा तीसरा सिंगल है जिसमें कि दो तो सूफी, लास्ट ईयर मैंने जोगी किया था और दिस ईयर नैना जोड़ी, सो एवरीबडी लविंग इट। ये जो म्यूज़िक है ये फिल्म म्यूज़िक नहीं है, ये हटके है, और मैं तो इससे जुड़ी रही हूँ इतने साल तक। और फिल्म म्यूज़िक तो मैंने 95 से शुरू किया, उससे पहले से जो मैं गा रही थी वो तो यही सब गाया मैंने, मैंने खुद पहले ये सब नंबर्स गाए हुए हैं। और जहाँ तक की बात है, अब इसकी रिवायत फिर से शुरू हो गई है, फिर से इस तरह के गाने आ रहे हैं। नैना जोड़ी बहुत स्पेशल है, स्पेसिफिकली मेरे लिए बिकॉज मैं सिंगर हूँ, और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि उस गाने में उसके जो बोल हैं वो दिल को छू जाने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और वरुण का ये आइडिया था और बहुत ही अमेजिंग आइडिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो गाना हाँ, इतना खूबसूरत है बिल्कुल इनके जैसा ये अच्छी बात कही बिल्कुल, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू एसोसिएट विद सच अमेजिंग पीपल एंड एस्पेशली रिचा जी। और मज़े की बात ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई सिंगर का गाना बहुत हिट हो जाता है तो दूसरा सिंगर उसको अपने कॉन्सर्ट्स में गाता है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ नया हुआ। दिस इज अनदर स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी। श्रुति का गाना रंगी पर उड़ आवे, ये गाना इतना सुपर हिट है, लोग आज भी, अभी तो गरबा चल रहे हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने उस गाने को गाया नहीं, मैंने उसको कोरियोग्राफ करवा के खुद परफॉर्म किया और इनको वीडियो भेजी तो ये हेल गए, कहते ये क्या हो रहा है। सो ये एक नई अमेजिंग स्टोरी रही हमारे, और अब ऐसा हो गया कि वो गाना मैं जब मेरा खुद का गाना सुनती हूँ तो मुझे इनका डांस परफॉर्मेंस ही याद आता है। सो क्रेडिट गोज टू हर सॉन्ग एंड हर वॉइस। श्रुति के गाने की आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस। पति रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर, ओए दमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी, लाल मेरी। थैंक यू।